हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल और उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसके रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की होगी, अगर नहीं की है तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लेट्स सी टुडेस वीडियो, टुडेस टॉपिक, जेनरिक प्रोसेस मॉडल। जेनरिक प्रोसेस मॉडल को हम जनरल प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तब ये प्रोसेस मॉडल अपने आप बन जाता है। जेनरिक प्रोसेस मॉडल मेनली बहुत सारे एक्टिविटीज या बहुत सारे फ्रेमवर्क का कलेक्शन माना जाता है। जेनरिक प्रोसेस मॉडल में सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटी सारी आ जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में जो भी एक्टिविटीज थी, जैसे कि टास्क थे, एक्शन थे, एक्टिविटी, वो भी आ जाती है। प्रोसेस फ्रेमवर्क की जो एक्टिविटीज थी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डेप्लॉयमेंट, मॉडलिंग, वो भी आ जाते हैं। और एट अम्ब्रेला एक्टिविटी जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, आई होप आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वो सारी चीज़ें जनरल प्रोसेस मॉडल में आ जाती है। लेट सी जनरल प्रोसेस मॉडल की वो फाइव प्रोसेस फ्रेमवर्क की प्रोसेस। ये जनरल प्रोसेस का डायग्राम है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उसके अंदर प्रोसेस फ्रेमवर्क की प्रोसेस और उसके अंदर अम्ब्रेला एक्टिविटीज। पहले तो फाइव फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हमने जैसे कि प्रोसेस फ्रेमवर्क के टाइम पे भी ये बोला था, कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि जब कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए। कम्युनिकेशन फेज में हमें सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर को क्या क्या नीड्स है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेशन फेज में क्लियर करनी होती है। प्लानिंग, जब हम कम्युनिकेशन करके कस्टमर के पास से सारी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन ले आते हैं, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर के लिए प्लान क्रिएट करना होता है। इस प्लान में हमें सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन, कॉस्ट, ट्रैकिंग सब कुछ इंक्लूड करना होता है। मॉडलिंग में जब हमने सब कुछ प्लानिंग कर लिया, सॉफ्टवेयर की नीड क्या है हमें सब पता है, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन क्रिएट करनी चाहिए। और वो डिज़ाइन इस वे में होनी चाहिए कि जो हमारे सॉफ्टवेयर की नीड हो उसे फुलफिल करें। कंस्ट्रक्शन, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन बन गई है उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर को कोड करना चालू किया जाए। बिफोर क्रिएटिंग एनी डिज़ाइन वी कैन नॉट स्टार्ट द कोड, बिकॉज कोडिंग के टाइम पे हमें जो भी मन में आता है वो हम कोड कर लेते हैं, पर उससे कई बार सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेंज होती है और समटाइम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पाती। डेप्लॉयमेंट, जब हमारा सॉफ्टवेयर का कोडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना होता है। टेस्टिंग के भी बहुत सारे टाइप्स है, हमें किसी भी टाइप से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है। उसके बाद हमें कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए। अगर कस्टमर का फीडबैक चेंज होता है जो हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उससे, तो हमें अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट ये सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। अम्ब्रेला एक्टिविटीज का यूज करके हम हमारे प्रोजेक्ट को इजीली वे में मैनेजमेंट और उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। देर आर 8 टाइप्स ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटी। आई होप आपको अम्ब्रेला एक्टिविटी पता हो, अगर नहीं पता हो तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू।